हे माय ब्यूटीज़, आज की वीडियो में मैं आपको मल्टी कलर का थालपोच बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ब्लू कलर सबसे पहले ले लिया है और अब हम बनाएंगे मैजिक रिंग। ठीक है, मैजिक रिंग किसे कहते हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इस तरीके से क्रॉस करके लेंगे क्रोशिया को। ठीक है, यहाँ से इंसर्ट करेंगे और ऐसे घुमा के ये क्रोशिया में ले लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा खींचेंगे, जो इधर वाला छोटा थ्रेड है इसको थोड़ा सा खींच के रिंग को थोड़ा छोटा करेंगे। अब ये जो हमने फंदा लिया है ना, यहाँ पर इसको एक रिंग एक चैन से सिक्योर कर देंगे। ठीक है, ये जो बना है ना हमारी रिंग, ये है मैजिक रिंग। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी होता है, प्रॉब्लम होती है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम तीन चेन बनाएंगे, 1 2 3। ठीक है, अब इस मैजिक रिंग के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस मैजिक रिंग के अंदर हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 16 डबल क्रोशिया बनाइए। मैं यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया बना के आपको दिखाती हूँ। तो हमने 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम इस रिंग को यहाँ से, ये जो हमने मैजिक रिंग बनाई थी ना, देखिए इतना बड़ा हो रहा है, इसको यहाँ से थ्रेड को खींच देंगे। ये देखिए टाइट हो गया ना, ये देखिए। ठीक है, यहाँ को थ्रेड से खींच देंगे और फिर हमने यहाँ पे जो तीन चेन बनाई थी ना, तो थर्ड वाली चेन में इंसर्ट करके इसको जॉइंट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। अब फिर सेकंड राउंड के लिए हम तीन चेन लेंगे, 3 चेन, सेम इसी स्पेस में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट वाले में ये जो यहाँ पर वी दिख रहा है ना, ये चेन है, इस चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। इसके पास वाले चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके पास में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड का हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हर चेन में हमको 2 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये सेकंड राउंड इस तरीके से ही कंप्लीट करना है। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसको थर्ड वाली चेन में जॉइन कर देंगे। फिर से थर्ड रो के लिए हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम इसी स्पेस में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गए। ठीक है, इसके पास वाले स्पेस में यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके पास वाले स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, इसी में सेम एक और, 2, इसके पास वाले में 1 बार बनाएंगे, फिर इसके पास वाले में 2 बार बनाएंगे, फिर इसके पास वाले में 1 बार बनाएंगे। तो इस रो को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक में 1 बार बनाएंगे, एक में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो ये रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ हमने फर्स्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो लास्ट में हमारे पास 1 बार डबल क्रोशिया बन के आया है। अब ये जो थर्ड चेन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें हम इसको ज्वाइन करके राउंड 3 को कंप्लीट कर देंगे। राउंड 4 स्टार्ट करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, सेम इसी स्पेस में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। नेक्स्ट वाली जो चेन है, इसमें 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके पास वाली चेन में फिर से 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके पास वाली चेन में 2 बार बनाएंगे, मतलब एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, 1 एंड 2, सेम स्पेस में। ठीक है, फिर इसके पास वाली चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके पास वाली चेन में 1 बार बनाएंगे और इसके पास वाली में 2 बार बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमें 2 बार सिंगल, मतलब एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है और नेक्स्ट वन में 2 बार डबल क्रोशिया एक ही स्पेस में। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक ही स्पेस में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर 1 बार बनेगा, फिर यहाँ पर 1 बार बनेगा, फिर से यहाँ पर एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनेगा। ठीक है, तो ये राउंड हमें इसी तरह कंप्लीट करना है।
देखिए ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर थर्ड चेन में इसको हम ज्वाइन कर देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर इसको हम ज्वाइन कर देंगे। अब हम कलर चेंज करेंगे तो उसके लिए मैंने एक चेन ले ली है, धागे को कट कर दिया और इसको ऐसे खींच लिया, ठीक है। अब हम दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे, मैं इसी का लाइट शेड ले रही हूँ। यहाँ से जहाँ से हमने धागे को कट किया है ना, वहीं से हम ज्वाइन कर लेंगे, इसी का लाइट शेड में ले रही हूँ, ठीक है। आपके पास जो कलर हो, जितने बची हुई जितनी भी बची हुई हो ना, आप सब यूज़ कर सकते हैं। इसमें तीन चेन बना ली मैंने, सेम इसी स्पेस में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दो डबल क्रोशिया हो गए हमारे पास, एक तीन चेन और एक डबल क्रोशिया। इसके पास वाली स्पेस में मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी यहाँ पर, फिर इसके पास वाली स्पेस में एक और डबल क्रोशिया, फिर इसके पास वाली स्पेस में एक डबल क्रोशिया, फिर इसके पास में एक ही स्पेस में दो डबल क्रोशिया। तो अब इस राउंड में हम क्या करेंगे, तीन बार एक 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 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर फोर्थ वन में दो दो बार डबल क्रोशिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दो बार बना दी एक ही स्पेस में, अब एक बार एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसके पास वाले में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसके पास वाले में एक एक बनाऊंगी यहाँ पर, और फिर इसके पास वाले में एक ही से सेम स्पेस में दो बार बनाऊंगी, ठीक है, एक दो। तो अब इस राउंड को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, तीन बार तीन चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फोर्थ वाली जो चेन होगी उसमें एक ही चेन में हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे मैंने ये दो बार बनाया, अब यहाँ पर एक बार एक बार एक बार, अब फिर यहाँ पर दो बार। तो इस राउंड को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। देखिए मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर दिया है और इसको थर्ड चेन में ज्वाइन कर दिया है। अब नेक्स्ट राउंड में हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं तो हम यहाँ पर कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, तीन चेन लेंगे, ठीक है, फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो हमने फर्स्ट चेन स्किप की थी ना, अब इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्रॉस तरह की डिज़ाइन बनकर आ जाएगी। फिर से देखिए, इसके पास वाली चेन को इसको स्किप करेंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो स्किप की थी हमने चेन, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इस तरह से क्रॉस वी टाइप की कुछ डिज़ाइन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमको फंदे बढ़ाने नहीं है तो अब हम यहाँ पर हम कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस रो को हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह की डिज़ाइन बनकर आई है, क्रॉस डिज़ाइन, ठीक है। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है ये रो, और धागा ये कट करके दूसरे कलर का इसमें ज्वाइन कर लिया है और तीन चेन बना लिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम तीन चेन हमने बना ली, सेम इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब यहाँ पर हमको बढ़ाने हैं फंदे, ठीक है, यहाँ पर हमें इंक्रीज करना है। तो अब यहाँ दो डबल क्रोशिया हो गए एक ही जगह पर, अब इसके पास वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके पास में एक डबल क्रोशिया, फिर इसके पास में एक बार बनाएंगे, फिर इसके पास में एक बार बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने चार बार एक एक बना दिए। अब जो नेक्स्ट है ना, इसमें एक ही चेन में दो बार बनाएंगे, ठीक है। एक बार बनाया, यहीं पर इसी जगह पर एक और बार बनाएंगे, ये इंक्रीज हो गए फंदे हमारे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार बनाएंगे, फिर एक बार बनाएंगे, फिर एक बार बनाएंगे, फिर एक बार,
फोर टाइम्स हो गए हमारे, 1 2 3 4। अब फिफ्थ में एक ही स्पेस पे 2 बार 3.5 mm का क्रोशिया हुक लिया है मैंने और नॉर्मल सी वर्धमान की ऊन है। तो इस रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 4 बार सिंगल क्रोशिया, 4 चेन में 1-1 बार डबल क्रोशिया और 1 चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 4 में 1 बार, फिर 1 में 2 बार। ठीक है, इस तरीके से ये लाइन भी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट रो में हम 3 चेन बनाएंगे और ये वाली जो डिज़ाइन है ना क्रॉस वाली, इसी को रिपीट करेंगे। अब यहाँ पर फिर हमको इंक्रीज नहीं करना है, तो 3 चेन बनाई, फर्स्ट वाला स्किप किया, सेकंड वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर जो फर्स्ट वाला हमने स्किप किया था उसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर से देखना, ये स्किप करेंगे, इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये स्किप करेंगे, ये जो स्किप किया था इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये स्किप किया, इसमें बनाया, अब जो स्किप किया था क्रॉस करके उसी में बनाएंगे। तो इस लाइन को हम, इस रो को इसी तरह कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में फिर हम थ्रेड चेंज करेंगे, उसमें फिर इंक्रीज करेंगे और फिर ये स्टिच बनाएंगे। तो ये लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, रो कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड चैन में ऐड कर दूंगी। ठीक है, 1 चेन लेकर के थ्रेड को कट कर दूंगी और एक नए कलर का थ्रेड इसमें ऐड करूंगी। आप जो कलर चाहें ऐड कर सकते हैं। इसको मैं इस तरह से पीछे ले लूंगी ताकि ये विजिबल ना हो। ठीक है, और यहां से अब हम नया कलर ऐड करेंगे। ये ऐड हो गया, 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे, सेम इसी जगह 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके आगे यहाँ पर 1 बार डबल क्रोशिया। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने 4 बार 1-1 डबल क्रोशिया बनाए थे ना, 1 2 1 2 3 4, 4 बार 1-1 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर हमने ये डिज़ाइन बनाई थी। अब हम यहाँ पर 5 बार 1-1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके ऊपर इसी कलर से ये क्रॉस वाली डिज़ाइन बनाएंगे, फिर उसके ऊपर कलर चेंज करके 6 बार 1-1 डबल क्रोशिया और फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही में, फिर उसके ऊपर सेम कलर से ये डिज़ाइन बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट लाइन में 7 बार 1-1 डबल क्रोशिया और फिर उसके ऊपर ये डिज़ाइन। तो इस तरीके से जितनी बार भी आपको बनाना है, जितना बड़ा आपको बनाना है ना, उतनी बार डबल क्रोशिया बनाई दीजिए। जैसे यहाँ पर 4 बार 1 डबल क्रोशिया बने, फिर 2 बार एक ही में से 2 बार बना, अब यहाँ पर 5 बार 1-1 बनेगा, फिर इसमें से 2 बार बनेगा, फिर उसके ऊपर 6 बार, फिर 7 बार, फिर 8 बार, फिर 9 बार। तो जितना बड़ा आपको बनाना है सेम इसी तरह से बना लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर 1 बार मैंने बना दिया, 2 3 4 5, 5 बार बन गया। अब यहाँ पर ये जो 6th वाला है, इसमें से एक ही में से 2 बार बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में फिर 5 बार 1-1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3
चार पांच, ठीक है। ये जो सिक्स है, सिक्स में से एक ही में से दो बार बनाएंगे। तो इस लाइन को मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लूंगी। इसके ऊपर मैं इसी कलर से ये क्रॉस वाली डिजाइन बना लूंगी। इसके ऊपर फिर मैं सात बार एक एक डबल क्रोशिया बना के एट्थ वाले में दो बार बनाऊंगी, फिर उसके ऊपर ये क्रॉस वाली डिजाइन बनाऊंगी, फिर उसके ऊपर मैं आठ बार ऐसे सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर उसके ऊपर मैं नौ बार सिंगल सिंगल बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैं इसको कंप्लीट कर लूंगी, ठीक है। तो देखिए मैंने ये इतना बना लिया है। ये जो लास्ट लाइन राउंड मैंने बनाया है ना, इसमें नौ बार ये डबल क्रोशिया बनाया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, हाँ नाइन टाइम्स ये बनाया है। और उसके बाद एक ही में से दो डबल क्रोशिया बनाए, ठीक है, और उसके ऊपर ये डिज़ाइन बनाई है। इसके बाद मैंने थ्रेड चेंज, कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसके बॉर्डर बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे देखिए। ये पूरा मैंने ऐसे ही बनाया जैसे आपको बताया था। अब बॉर्डर कैसे बनाएंगे देखिए, हमने कलर चेंज कर लिया। अब हम यहाँ पर फाइव चेन लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, फाइव चेन ले ली। अब यहाँ से वन टू थ्री, थ्री चेन को स्किप करके फोर्थ वाली चेन में इसको एक सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे, ठीक है। फिर से देखें, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चेन बनाई हमने, वन टू थ्री चेन स्किप करेंगे, फोर्थ में सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच कर देंगे, ठीक है। ये पूरी लाइन हमें इसी तरह से बनानी है, फिर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ पे लास्ट चेन बना रही हूँ मैं, थ्री फोर फाइव, फाइव चेन बना के ये जो फर्स्ट चेन थी ना, इसी जगह पे इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, अब फिर से सेकंड राउंड बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, यहीं से स्टार्ट कर देंगे। देखिए अब सेकंड राउंड के लिए हमें यहाँ सेंटर में आना पड़ेगा, तो हम ये जो फर्स्ट चेन है इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे पहले, सेकंड में भी स्लिप स्टिच बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ थर्ड में भी एक और स्लिप स्टिच बना लेंगे, और यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चेन बनाएंगे और इसको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। फिर वन टू थ्री फोर फाइव चेन बनाएंगे, इसे इस वाले में अटैच कर देंगे। फिर वन टू थ्री फोर फाइव चेन बनाएंगे, इधर अटैच करेंगे। तो ये वाला, ये रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है, लास्ट में फाइव चेन बना के और मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। इसी तरह से अब मैं एक राउंड और इसी सेम इसी तरह से बनाऊंगी। पहले हम सेंटर में आएंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो सेम इसी तरह से मैं एक राउंड और बनाऊंगी। आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं, चार पांच जितने राउंड चाहें आप ऐसे नेट के बना सकते हैं। तो मैं एक राउंड और बनाऊंगी, फिर उसके बाद बताती हूँ आपको, ठीक है। देखिए मैंने तीन राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब फोर्थ में मैं क्या करूँगी, इसको मैंने लास्ट में यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब यहीं से मैं वन टू थ्री फोर फाइव चेन लूँगी। अब मैं यहाँ पर एक पफ बनाऊँगी, तो देखिए कैसे बनाऊँगी। जो फिफ्थ चेन है इसको थोड़ा लूज किया, ठीक है, यार्न ओवर। ये जो फोर्थ वाली चेन है इसके अंदर से हम इस तरीके से लेंगे, ठीक है, फिर इसको लूज किया, टू थ्री फोर, फोर टाइम्स लेंगे हम ऐसे ही सेम में से, ठीक है। फिर इसको ऐसे बंद कर देंगे, फिर इसको ऐसे, देखिए यहाँ से बंद कर दिया। अब इसको ऐसे लेकर एक बार और ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है, ये पफ बन गया। अब फिर से फाइव चेन लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, और इसको यहाँ पास वाले में अटैच करेंगे, ठीक है। फिर से देखिए,
फिर अब यहीं से 5 चेन लेंगे, 5 हो गया। अब हमें पफ बनाना है तो इसे लूज करेंगे, वन टू थ्री फोर, 4 टाइम्स लेंगे, इसे बंद करेंगे, इसे लॉक कर देंगे, फिर इसको पीछे की तरफ से यहाँ से ऐसे करके, ये देखिए ऐसे पीछे से ऐसे लेंगे और फिर से इसे लॉक कर देंगे, फिर 5 चेन लेंगे, 3 4 5, और इसे यहाँ पास वाले में अटैच करेंगे, देखिए फिर से देखिए 1 2 3 4 5 5 चेन पफ बनाएंगे, 4 टाइम्स यहीं से लेंगे पफ के लिए, 1 2 3 4, ठीक है 4 टाइम्स ऐसे लेंगे, इसको ऐसे लॉक करेंगे, फिर 5 चेन लेंगे, 3 4 5, और इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो मैं ये पूरी लाइन इसी तरह से कंप्लीट करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस ये कंप्लीट हो चुका है, मैंने पूरा बना लिया है इसे। बनाने में बहुत इजी है और बहुत खूबसूरत लगता है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।